यहाँ पे हम बात करने वाले कुछ टॉपिक के बारे में, प्रामाणिक जो इंडियन आर्मी है उसके लिए किए जाने वाले प्रोक्योरमेंट पे बात करेंगे। तो जो एक RFI है वो MOD के द्वारा इशू किया गया है, जहाँ पे MOD ऐसा देख रही है कि कुछ नंबर में जो 105mm 37 कैल के गन है, माउंटेड गन सिस्टम, वो प्रोक्योर किया जाए आर्मी के लिए। और यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट होगा प्राइमरली देखा जा रहा है माउंटेनियस एरिया के लिए, हाई ऑल्टी एरिया के लिए, जो हार्श टेरेन है वहाँ पे एक अच्छी मोबिलिटी को देखते हुए ये प्रोक्योरमेंट प्लान किया जा रहा है। तो यहाँ पे RFI के अकॉर्डिंग जो प्रोक्योरमेंट रहने वाला है प्राइमरली इंडियन वेंडर से ही रहेगा, और देखा जा रहा है कि कौन से ऐसे वेंडर होंगे जो कि 105mm 37 कैल में माउंटेड गन सिस्टम दे सकते हैं। तो इनके लिए कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो भी रखी गई है कि इस सिस्टम को लेकर जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है वो क्या कुछ वो देख रही है। पहले पार्ट की बात करोगे जहाँ जो स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल फीचर्स है जो कि डिमांड में है वो दी गई है। तो MGS के अंदर जो शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए, स्पेशली माउंटेनियस एरिया के लिए, मतलब एक टारगेट पे एक लोकेशन पे फायर करके तुरंत ही दूसरे लोकेशन पे डिप्लॉय होके आप फायरिंग कर सकते हो, वो क्षमता यहाँ पे डिमांड में है। जो अगली रिक्वायरमेंट है वो इस गन के डिप्लॉयमेंट को लेके है, जो कि डिप्लॉय होने वाला है नदन बॉर्डर पे। तो वहाँ पे आपको जैसा भी ऑल्टीट्यूड मिलता है, टेरेन मिलता है, उसमें ऑपरेशनल रह के जो आर्टिलरी टास्क है वो परफॉर्म करना चाहिए। अम्यूनेशन को लेके ये डिमांड है कि जो भी अम्यूनेशन सर्विस में है उसको ये गन सिस्टम फायर करना चाहिए। मोबिलिटी को लेके ऐसी डिमांड है कि जो भी आपका अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रा है बॉर्डर के अराउंड, जो भी ट्रैक्स हैं माउंटेनियस एरिया में, जिस तरह के भी पाथ हैं वहाँ पे अच्छे से मोबाइल होना चाहिए आपका सिस्टम। तो यहाँ पे मोबिलिटी की डिमांड है। अगर फायर कंट्रोल सिस्टम की बात करोगे तो इंडियन आर्मी का अपना ही जो आर्टिलरी कॉम्बैट एंड कमांड कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि ACCS, जिसको शक्ति का नाम दिया गया है। बेसिकली इस सिस्टम के अंतर्गत जो एक नेटवर्क है आर्टिलरी फायरिंग को लेके, उसको डिजिटाइज किया गया है। यहाँ पे सिस्टम को डेवलप किया है BEL ने, स्पेशली अभी आर्मी के साथ ऑपरेशनल है। तो ये जो फायर कंट्रोल नेटवर्क है इससे इंटीग्रेट होने में सक्षम होना चाहिए ये 105mm का गन। और यहाँ पे फायर कंट्रोल सिस्टम में ये भी क्षमता होनी चाहिए कि वो INS का इस्तेमाल कर सके, डे एंड नाइट में फायर कर सके। तो ये कुछ जो कैपेबिलिटी और डिमांड की गई है FCS में। बात करते हो डे एंड नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी की, तो डायरेक्ट फायर और इनडायरेक्ट फायर किसी भी वेदर कंडीशन में उसकी डिमांड रखी गई है। मेंटेनेंस को लेकर ये डिमांड है कि जो BITE है, यानी कि बिल्ट इन टेस्ट फैसिलिटी, उसको सपोर्ट करना चाहिए आपका सिस्टम। और इन सब के साथ साथ जो प्राइसिंग हो वो L1 में ही जाएगी, वो लोएस्ट बिडर को प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं कहूँगा कि भारत में क्वालिटी के ऊपर आप प्राइसिंग को चुनते हो, अगर आप इतना कुछ डिमांड कर रहे हो और वहाँ पे भी आपको L1 चाहिए यानी कि लोएस्ट बिडर चाहिए, तो किसी वेंडर के लिए इतना कुछ लेके आना है कम प्राइस में वो चैलेंजिंग टास्क रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप दिए गए सभी फीचर्स को देखते हो तो ज्यादातर जो फीचर है वो कल्याणी का गरुड़ा मैच करता है, गरुड़ा 105, जिसको कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड यानी कि KSSL गरुड़ा 105 V2 बोलती है। और ये एक ऑल टेरेन टैक्टिकल मोबाइल वेपन सिस्टम है जिसको कल्याणी ने ही डिजाइन और डेवलप किया है, मैन्युफैक्चर किया है। यहाँ पे गरुड़ा के पास 360 फायरिंग कैपेबिलिटी है हर डायरेक्शन में। स्पेशल फीचर की बात करोगे तो जो रिकॉयल है वो टेक्नोलॉजी इनकी यूनिक है, जो कि एक हाइब्रिड सॉफ्ट रिकॉयल है और ये रिकॉयल को BFL ने ही बनाया है। एक और स्पेशल फीचर की बात करोगे तो जो ओवरऑल वेट है वो 5.5 टन से नीचे का है, कैरी कर सकते हो आप इसको चॉपर की हेल्प से। और जो फायर कंट्रोल सिस्टम है वो यहाँ पे ऑन बोर्ड दिया गया है। जहाँ तक बात जाती है फायर रेट की, तो 4 राउंड पर मिनट ये फायर कर सकता है, जो कि टेक्निकली आपको हेल्प करेगा शूट अचीव करने में। जहाँ तक टेस्टिंग और ट्रायल की बात करते हो तो लगभग 70,000 फीट पे जो ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट कर लिए गए हैं, और जो भी माउंटेनियस एरिया में पाथ हैं, ट्रैक्स हैं, उन पे इसकी मोबिलिटी को भी टेस्ट कर लिया गया है। तो ये कुछ जो फीचर है वो कल्याणी का गरुड़ा लेके आता है, और प्रॉब्ली ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आप कह सकते हो कि इस RFI के लिए फ्रंट रनर है। होपफुली जो L1 का इशू है वो यहाँ पे इसके साथ ना आए और इसको जो फाइनल ऑर्डर है वो दिया जाए। यहीं पे हम बात कर लेते हैं P75I के बारे में, यानी कि P75I के बारे में। तो इसको लेके हम सभी जानते हैं कि जो आपका इनिशियल प्लान था वो इंडियन नेवी के लिए 12 सबमरीन को प्रिक्योर करने का था, और लगभग ये प्लान 1995 और 2000 के बीच का है, जहाँ पे जो 12 कन्वेंशनल सबमरीन की रिक्वायरमेंट है वो इंडियन नेवी के लिए देखी जा रही थी। बाद में इस प्रोक्योरमेंट को दो भागों में बांट दिया गया, P75 और P75I। तो P75 को लेकर हम सभी जानते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है लास्ट सबमरीन की वो कंप्लीट हो चुकी है, उसको अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया था सी ट्रायल के लिए। लेकिन P75I को लेके कई सारे जो डिले हैं आपको देखने को मिल रहे थे। प्राइमरली यहाँ पे 5 जो वेंडर हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है जिसको बताया जा रहा था फ्रंट रनर, यानी कि फ्रांस का नेवल ग्रुप, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने से पीछे हट रही है RFI की कंडीशन को देखते हुए। तो ज्यादातर जो वेंडर हैं उन्होंने RFI की कंडीशन को देखते हुए अपने हाथ खींचे हैं। कुछ ऐसा ही जो केस है वो नेवल ग्रुप के साथ आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे RFI में जो की पॉइंट है जिसकी वजह से ज्यादातर जो वेंडर हैं वो पीछे हट रहे हैं, वो लायबिलिटी को लेके है।
और टॉट को लेके है, जहाँ पे जो इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा है आखिरी सबमरीन में वो 60% से ऊपर की डिमांड की गई है। और एक और कंडीशन ये लगा दी गई है कि जो सबमरीन भारत में बनाए जाएंगे भारतीय मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो वहाँ पे उन सबमरीन की जो परफॉर्मेंस की लायबिलिटी होगी वो रहेगी OEM के पास। मतलब यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड डिमांड की गई है, जिसकी वजह से ज्यादातर जो वेंडर है वो पीछे हट रहे हैं। तो टेक्निकली जो आपका P-75 आई है SRFI के साथ नल एंड वॉइड हो जाता है। तो प्रॉब्लम कोई ना कोई जो मॉडिफिकेशन है उन कंडीशन के साथ MOD सामने आएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन ये है कि नेवल ग्रुप भी यहाँ से पीछे हट रहा है RFI की इन कंडीशन को क्लोजली देखने के बाद। तो इन सब में जो नुकसान है वो आपको दिख रहा है इंडियन नेवी का ही हो रहा है, क्योंकि आप जितना डिले करोगे तो आपके पास खोने के लिए उतनी ही चीज़ें होंगी, चाहे वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर जो आपका वर्क फोर्स है MDL में स्किल्ड वर्क फोर्स जिस पे आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, समय इन्वेस्ट किया है, तो उनके डायलेशन को लेके हो। तो इस तरह के डिले में जो नुकसान है वो भारत का ही आपको दिख रहा है। आइडियल कंडीशन में जो आपका P-75 था उसे कहीं आपको फॉलो अप ऑर्डर दे देना चाहिए था P-75I को स्क्रैप करके, क्योंकि बाद में जो DRDO के AIP है वो रिफिट होना ही था, तो कुछ ज़्यादा जो फर्क है वो नहीं पड़ता और जो टाइम सेविंग है वो भी हो जाती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।